कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। पूर्व विधायक और कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए, डिप्टी एसपी मनीष शर्मा ने कहा एफआईआर में गुंजल के भतीजे लोकेश गुंजल का भी नाम है। बाल बालाजी क्रेश्वर से पुलिस ने एलएनएनटी मशीन डंपर और 955 टन मैसनरी स्टोन जब्त किया। रानपुर थाने में बैठकर डिप्टी एसपी मनीष शर्मा कार्रवाई को हेड कर रहे हैं। पुलिस के साथ यूआईटी खनिज विभाग का दल भी मौजूद है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, गुंजल के भतीजे लोकेश गुंजल का भी नाम इसके अंदर है। खनिज विभाग का दल भी यहां पर मौजूद है। और आपको बता दें कि कोटा का पूरा मामला जहां पर इस कार्रवाई को खुद हेड कर रही है एसपी मनीष शर्मा। तो देखिए, रानपुर थाने में बैठकर डिप्टी एसपी मनीष शर्मा इस कार्रवाई को हेड कर रही है। आपको जानकारी दे दें कि बाल बालाजी क्रेशर से पुलिस ने एलएनटी मशीन डंपर और 955 टन मैसनरी स्टोन को जब्त किया है। पुलिस के साथ यूआईटी खनिज विभाग का दल भी मौजूद है। तो बड़ी खबर, डिप्टी एसपी मनीष शर्मा ने इस दौरान क्या कुछ कहा वो भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, उन्होंने कहा कि एफआईआर में गुंजल के भतीजे लोकेश गुंजल का भी नाम है। बाल बालाजी क्रेशर से पुलिस ने एलएनटी मशीन डंपर और 955 टन मैसनरी स्टोन को जब्त किया है। खुद वो इस पूरी कार्रवाई को हेड कर रही है। पुलिस के साथ यूआईटी खनिज विभाग का दल भी मौजूद है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं कोटा से। देखिए, पूर्व विधायक और कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डिप्टी एसपी मनीष शर्मा ने कहा कि एफआईआर में गुंजल की भतीजे लोकेश गुंजल का भी नाम है। जो एफआईआर दी गई है उसके अंदर लोकेश गुंजल का भी नाम सामने आ रहा है। और अधिक जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण बने हुए। भंवर, देखिए, मुकदमा दर्ज हुआ है कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल के खिलाफ और उनके भतीजे का भी नाम है एफआईआर में। विस्तार से जरा जानकारी दीजिए उस खबर को लेकर। देखिए, ये पूरा मामला प्राथमिक तौर पर क्रेशर व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और क्रेशर में माल की सप्लाई के लिए जो खनन होता है उसको लेकर के तीन डिपार्टमेंट आज सरकार के, राजस्थान पुलिस, साथ में यूआईटी कोटा और खनिज विभाग की टीमें वहां पर पहुंची थी। और ये बावड़ी खेड़ा रानपुर थाना क्षेत्र में पड़ने वाला गांव है, वहां की जंगलात की जमीन का मामला है। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल भी इस कार्रवाई के दौरान मौके पर पहुंचे थे और उनकी तरफ से कुछ आपत्तियां इस पूरे मामले में खड़ी की गई थी। बहरहाल, वहां मौके से एलएनटी मशीन और एक डंपर को जब्त कर लिया गया है, कुछ स्टोन भी वहां से जब्त किया गया है। और अब से कुछ देर पहले इस पूरे मामले में प्रहलाद गुंजल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके प्रहलाद गुंजल के अलावा इस एफआईआर में जो उनके भतीजे लोकेश गुंजल है उनका नाम भी शामिल किया है। पुलिस उपाधीक्षक मनीष शर्मा ने इसकी पुष्टि की है, वो इस पूरी कार्रवाई को हेड कर रहे हैं। उन्होंने थोड़ी देर पहले एफआईआर को ड्राफ्ट करवाया है और सरकारी संपत्ति की चोरी, अतिक्रमण और इसके अलावा अवैध खनन से जुड़ी जो धाराएं हैं वो इस मुकदमे में लगाई गई है। और अब से कुछ देर पहले ये खबर भी मिली है कि इस पूरे मामले को लेकर प्रहलाद गुंजल ने अपना पक्ष रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है। कुछ देर बाद वो भी पत्रकारों से बातचीत करेंगे। तो कुल मिलाकर के कोटा में अवैध खनन और क्रेशर कारोबार से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिसमें तीन विभागों ने कार्रवाई की है। और अब से कुछ देर बाद जब प्रहलाद गुंजल पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इस पूरे मामले में कुछ नए तथ्य भी निकल कर आएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया बावर तमाम जानकारी के लिए।